नमस्कार, आपका स्वागत है द सुगम पर। बिसलपुर बांध के दो गेट खोल दिए गए हैं। गेट खोलने से पूर्व पूजा अर्चना की गई। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन ने 54 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां, बिसलपुर डैम गेट्स ओपन टुडे 19 अगस्त। जयपुर सहित अजमेर टोंक की प्यास बुझाने वाला बिसलपुर बांध 3 साल के बाद लबालब हुआ है। उससे पहले आपको बता दें कि 2016 के अंदर लबालब हुआ था। सोमवार को 5:11 पर डैम के दो गेट खोले गए। प्रशासन ने 54 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि हमने रविवार की खबर में आपको बताया था कि सोमवार दोपहर तक गेट खोले जा सकते हैं। इससे पहले बांध के कंट्रोल रूम पर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद डैम के 9 और 10 नंबर के गेट खोले गए। गेट खुलने का नज़ारा देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। इससे पहले बांध के कंट्रोल रूम पर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद डैम के 9 और 10 नंबर के गेट खोले गए। जी हाँ, प्रशासन की ओर से बांध के गेट खोलने से पहले सायरन बजाया गया। सायरन की आवाज़ बांध से करीब 5 किलोमीटर दूरी तक सुनाई दी, जिससे बनास नदी के अंदर कार्य कर रहे लोगों सहित मवेशी नदी से दूर हट गए। बिसलपुर बांध के कंट्रोल रूम के अनुसार बांध का गेज सोमवार सुबह 10 बजे तक 315.41 RL दर्ज किया गया, जिसमें 38.070 TMC पानी का भराव हो चुका है। आपको बता दें कि बांध के जो कुल जल भराव की क्षमता है वो 315.50 RL है। जी हाँ, गौरतलब है कि पहली बार बांध के गेट 2004 के अंदर खोले गए, उसके बाद 2014 और उसके बाद 2016 में बांध के गेट खोले गए, उसके बाद अब 2019 में दो गेट खोले गए। वर्ष 2016 में जब बांध सलका तो उस समय बांध के 18 में से 16 गेट खोलकर पानी की निकासी संबल नदी में की गई। वहीं इस बार बांध फिर से सलका है, लेकिन पानी की धीमी गति से हो रही आवक जयपुर अजमेर टोंक दौसा जिलों को रूटीन पेयजल आपूर्ति में डैम का जो जल स्तर है 3 सेंटीमीटर तक कम भी हो रहा है। बाकी खबरों के लिए आप द सुगम पर बने रहें। धन्यवाद।